आज हम बनाएंगे रवा डोसा। ये एक इंस्टेंट डोसा है, इसमें आपको पहले से कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप एक परफेक्ट जालीदार और बहुत ही क्रिस्पी डोसा अपने घर पर बहुत आसानी से बना सकेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना क्रिस्पी बना है हमारा ये डोसा। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और उसी के साथ रेड कलर में एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसे जरूर प्रेस करें, और उसे प्रेस करने के बाद आपके सामने एक बेल आएगी उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी नई रेसिपीज की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस रवा डोसा को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे आधा कप चावल का आटा। ये हमारे डोसे को क्रिस्पीनेस देगा। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कप रवा, जिसे हम सूजी भी बोलते हैं। इस रेसिपी के लिए हम चावल के आटे और रवे की क्वांटिटी को बिल्कुल सेम रखेंगे, जैसे मैंने आज यहाँ आधा कप चावल का आटा और आधा कप ही रवा यानी कि सूजी यूज़ की है। और इसके बाद मैंने इसमें डाला 1/4 कप मैदा। जितनी क्वांटिटी हम रवा की यूज़ कर रहे हैं उससे बिल्कुल आधी क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे मैदे की। जैसे मैंने आज रवा की क्वांटिटी आधा कप यूज़ की है तो मैदे की क्वांटिटी को मैंने यहाँ रखा 1/4 कप, यानी कि जितना हम रवा यूज़ करेंगे उससे बिल्कुल आधा हम यूज़ करेंगे मैदा। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा। मैंने इसे कद्दूकस करके यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं 6 से 7 कड़ी पत्ते जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी, तकरीबन 1 पिंच। बहुत ज़्यादा हींग आप इसमें ना डालें क्योंकि इससे हमारी सारी रेसिपी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 1 चुटकी हींग यूज़ की है। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। तो इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बाद अब बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। तो सबसे पहले 1 कप पानी हम इसमें डालेंगे। जिस कप से हमने अपने रवा या चावल के आटे को मेजर किया था उसी से हम पानी को मेजर करेंगे और अपने इस मटेरियल में डाल देंगे। तो 1 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम 1 कप पानी और लेंगे और अपने इस बैटर में फिर से डाल देंगे, यानी कि टोटल 2 कप पानी हमने इसमें डाल लिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसे हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स यानी कि गुठलियाँ या गांठें नहीं होनी चाहिए, एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट हम इसका बना लेंगे। तो बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी लम्स यानी कि गुठलियाँ नहीं हैं। अब हम अपने इस बैटर को ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए ताकि हमारी सूजी जो है वो पानी को अब्सॉर्ब कर ले और वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाए। 15 मिनट के बाद अब हम एक बार अपने बैटर को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है, सूजी ने काफ़ी पानी अब्सॉर्ब भी कर लिया है और चावल का आटा भी हमारा अच्छे से भीग गया है। अब हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और इसका एक पतला घोल बना लेंगे। इस रेसिपी में पानी की क्वांटिटी की कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। अगर मैं आपको अंदाज़ के हिसाब से बताऊं तो ये ऑलमोस्ट 4 से 6 गुना पानी हम इसमें यूज़ करते हैं। हमें इसमें इतना पानी यूज़ करना है कि इसका एक पतला सा घोल बन जाए जिसकी कंसिस्टेंसी बटर मिल्क यानी कि छाछ जैसी होनी चाहिए। अगर आपका ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा जो डोसा है वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो एक क्रिस्पी रवा डोसा को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि हमें अपने बैटर को बिल्कुल पतला रखना है, यानी कि इसे हमें पानी पानी रखना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें कितना सारा पानी ऐड कर लिया है और काफ़ी पतला हो गया है हमारा ये बैटर। अब हम इसमें थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ तकरीबन 1 छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड किया है। नमक डालने के बाद भी एक बार हम अपने बैटर को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर अब हमारा तैयार है, अब हम इससे डोसा बनाएंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक नॉनस्टिक तवा यूज़ किया है, आप देख रहे हैं कि इसके साइड पे बॉर्डर बना हुआ है। ऐसा तवा यूज़ करने से हमारा जो मटेरियल है वो बाहर नहीं गिरेगा और हमारे डोसे की शेप बहुत अच्छी आएगी। तो आप भी इस तरह का एक बॉर्डर वाला तवा ही यूज़ करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल नॉनस्टिक पैन में भी इसे बना सकते हैं। तो अब हम अपने इस तवे को हाई फ्लेम के ऊपर पूरे अच्छे से गर्म करेंगे। तो क्रिस्पी डोसा बनाने का टिप यही है कि हमारा तवा बहुत ही तेज़ गर्म होना चाहिए और जो घोल है हमारा वो बिल्कुल पतला। तो जब हम ये पतला बैटर अपने इस गर्मा गर्म तवे पर डालेंगे तो ये अपने आप ही एक शेप ले लेगा और इसमें एक जाली बन जाएगी। तो तवा अब मेरा पूरे अच्छे से गर्म है, फ्लेम को मैंने अभी भी पूरा हाई रखा हुआ है। अब हम अपना बैटर इसके ऊपर डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस बैटर को कितना पतला रखा है मैंने। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि सूजी पानी में नीचे बैठ जाती है तो हम तवे पर उसे डालने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हम अपना बैटर लेंगे इस कड़छी में और इसे अपने तवे के ऊपर डाल देंगे।
और फिर से हम अपना बैटर थोड़ा लेंगे और अपने तवे के ऊपर डाल देंगे। जहाँ पे भी हमें लगे कि हमारा बैटर अभी नहीं पहुँचा है तो वहाँ पे हम इसे दोबारा डालते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा पतला था कि इसने अपने आप ही एक शेप ले ली। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसे सिर्फ अपने तवे पर डाला और वो अपने आप ही फैलता गया और उसने एक जाली बना ली है। तो आप देख रहे हैं कि जिस साइड से भी मुझे लग रहा है कि हमारी ये जाली थोड़ी ज़्यादा बड़ी है या हमारा मटेरियल वहाँ नहीं पहुँचा, तो मैं हल्का हल्का मटेरियल उसके ऊपर इस तरह से डालती जा रही हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये डोसा हमने पूरे अच्छे से डाल लिया है। फ्लेम को मैंने अभी भी पूरा हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम के ऊपर ही हम अपने डोसे को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका ऊपर का सरफेस अच्छे से सूख नहीं जाता। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर की सरफेस इसकी अच्छे से सूख गई है। अब हम इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल हम लेंगे, इसकी साइड्स और सेंटर पर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर हम तेल इसके ऊपर पहले ही डाल देते तो ये डोसा सारा तेल अब्जॉर्ब कर लेता, तो इसलिए पहले आप डोसे को ऊपर से ड्राई होने दें और फिर ही इसके ऊपर ऑयल को स्प्रिंकल करें। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ऊपर से अच्छे से दिखने में गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाता। आप देखेंगे कि इसकी जाली के ऊपर से आपको एक गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा डोसा पूरे अच्छे से पक गया है। एक डोसा पकने में ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट ले लेगा। ये इतना पतला है कि हमें इसे टर्न करके पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस जाली के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब हमारा डोसा पक चुका है। अब हम एक फ्लैट स्पैचुला इसके नीचे डालेंगे और मैं आपको दूसरी साइड से दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन एक जालीदार डोसा बना है हमारा ये। अब हम इसे एक बार तोड़कर देखेंगे कि ये कैसा बना है। तो आप देख रहे हैं कि कितना क्रिस्पी बना है हमारा ये डोसा। तो इसी तरह से हम अपने बाकी के डोसे को भी बना लेंगे। दूसरा डोसा तवे पर डालने से पहले आप एक किचन टाल या किसी भी टिश्यू पेपर की हेल्प से अपने इस तवे को पहले अच्छे से पोंछ लीजिए। फ्लेम को उसी तरह से हम हाई रखेंगे और अपने इस बैटर को अपने तवे पर डालेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप प्याज वाला रवा डोसा बनाना चाहते हैं, यानी कि अनियन रवा डोसा, तो आप उसे कैसे बनाएं। इसके लिए थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज पहले आप अपने तवे पर डाल दीजिए। ध्यान रखिए कि ये प्याज बिल्कुल कच्चा है, मैंने इसे पहले पकाया नहीं है, बस इसे बारीक काटा और अपने तवे पर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर अपना बैटर डालेंगे, पर डालने से पहले इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे इसके ऊपर डाल देंगे। तो उसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर हम लेते जाएंगे और अपने इस तवे के ऊपर डालते जाएंगे और ये अपने आप ही अपनी शेप लेता जाएगा। तो इसे भी हमें उसी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर तब तक पकाना है जब तक इसका ऊपर का सरफेस ड्राई नहीं हो जाता, और जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे। और इसे भी उसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका ऊपर का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो हमारा ये डोसा भी अब तैयार है। तो इसी तरह से हम फ्लैट स्पैचुला लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चाहे आप नॉर्मल डोसा बनाएं या अनियन रवा डोसा, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करूँगी कि जब हम अपने इस बैटर के साथ 2, 3 या 4 डोसे बना लेंगे तो आप देखेंगे कि ये बैटर फिर से गाढ़ा हो गया है। तो हम थोड़ा पानी इसमें और मिलाएंगे और फिर से इसे पतला करेंगे और फिर अपने डोसा इसे बनाएंगे। तो इसी तरह से यूज़ करते करते ये बैटर गाढ़ा होता जाएगा, हम इसमें पानी और मिलाते जाएंगे और इसे पतला करके इससे डोसे बनाएंगे। तो इसी के साथ मेरी ये रवा डोसा की रेसिपी तैयार है। मैं आज इसे प्याज टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ सर्व करें। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें।